Good morning, children. How are you? I hope all of you are fine. चलो बहुत दिनों के बाद हम फिर से मिले हैं, कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत दिन गैपिंग क्यों था? हॉलीडेज था ना, बहुत सारे फेस्टिवल थे. अब सारे फेस्टिवल्स ओवर हो गए, अब हमें फिर से नई शुरुआत करनी है. तो चलो आज हम लोग फिर से पढ़ाई करते हैं. तो पहला क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? इंग्लिश. तो मैंने आपको पहले पहले वाले वीडियोस में ए साउंड एंड ई साउंड से कुछ वर्ड्स हमने आपको बताया था और लिखना भी सिखाया था. तो आज हम लोग ई साउंड से ही वर्ड लिखेंगे, बट कुछ अलग, यानी कि न्यू वर्ड लिखेंगे. तो पहले हम कॉपी में ई साउंड, यानी कि हमें ई साउंड से कुछ वर्ड लिखना है. तो ई साउंड में हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एन. तो पहले हम, तो मैंने बताया आपको, पहले लाइन ड्रॉ करो. एन तो आपको लिखने आता है, तो हमने पहले एन लिखा, ओके, कैपिटल लेटर में. देन स्मॉल लेटर में ई एंड स्मॉल लेटर टी, एन ई टी. नेट, नेट मीन्स क्या होता है आप लोग सब जानते हो. नेट मीन्स क्या होता है? जाल. ओके, उसके बाद क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग? एल ई टी, लेट. ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? पी, कैपिटल लेटर में ई एंड टी, पेट. नेट, लेट, पेट. ओके, तो हमने जो फर्स्ट लेटर लिखा है वो सारे कैपिटल लेटर में, ध्यान से देखना. उसके बाद जो है लेटर्स वो स्मॉल लेटर में है. तो आप ही इसी तरह से अपनी कॉपी में इसे लिखोगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट. हमने लास्ट वीडियो में आपको 100 लिखना सिखा दिया था. अब 100 तो मैंने सीख लिया, आपने भी सीख लिया, तो काउंटिंग हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है. तो आज हम लोग फिर से रिपीट करेंगे. जो बच्चे लिखना नहीं जानते हैं या जिन्हें लिखना नहीं आता हो, वो फिर से इसे देखकर लिखना सीखेंगे. तो पहले हमें 1 लिखना है. सारे बच्चे बॉक्स में ही लिखोगे, देखो कैसे मैम ने बॉक्स में लिखा. उसके बाद हमें 2, फिर उसके बाद हमें 3 के बाद क्या आता है? 4 के बाद हम क्या लिखेंगे? 5. तो पहले वाले वीडियोस में हम लोग एक एक नंबर लिखते थे, अब तो 100 कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग 5, 1, 2, 3, 4, 5 एक ही दिन में लिखना सीखेंगे. तो आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी में इसे लिखकर क्लास वर्क को और होमवर्क को कंप्लीट करोगे. चलो नेक्स्ट. हिंदी में मैंने आपको ओ तक लिखना सिखाया है, बताया है. ओ तक लिखना हमने जान लिया है. अब ओ के बाद क्या आता है, क्या आएगा? आप सब बहुत स्मार्ट बच्चे हो, मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है. और तो ओ में पहले हम 3 जैसे लिखते हैं अ, वैसे ही हमें अ लिखना है, ठीक है? ऐसे जैसे आप अ लिखते हो ऐसे ही लिखोगे. उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करोगे. और ओ में जैसे एक एंटीना आप ऊपर मात्रा लगाते हो, इसमें अ में 2 मात्रा ऊपर लगाने होंगे ऐसे. तो ये क्या होगा? और औ से क्या होता है? औरत. फिर से देखो, हमें आ बनाना है, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करनी है, और इस वाले पे एक मात्रा और इस वाले पे एक मात्रा, यानी 2 मात्रा ऊपर लगाना है. क्या हो गया ये? औ. ध्यान से देखो और इसी तरह से कोशिश करो कि अपनी कॉपी में इसे
लिख सको, ठीक है बेटा। औ, औ से क्या होता है, औरत। तो इस तरह से अपनी कॉपी में आप भी होमवर्क को कंप्लीट करोगे। चलो टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।